हाय गाइस, सो जैसा कि आपको पता है हमारी यूजीसी नेट मैनेजमेंट दिसंबर 2019 की सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर हम 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हमने इससे लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स के बेसिक क्वेश्चंस कवर किए थे, तो चलिए हम एक एक करके क्विज को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आपको कॉमर्स और मैनेजमेंट का कंप्लीट कोर्स पैक परचेस करना है सो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। अगर आपको कोई फर्दर क्वेरी है तो आप हमारे गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके क्विज को बिगिन करते हैं। देखिए, आपको हमने अर्लियर वीडियोज़ में स्टेप्स बताए थे कि आपको हमारी वेबसाइट कैसे विजिट करनी है और आपको कैसे क्विजेस को अटैम्प्ट करना है। तो चलिए आज भी हम एक क्विज अटैम्प्ट करते हैं और उसके अंदर देखते हैं फर्दर कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे हमारे वेबसाइट पे जाके जाएंगे क्विजेस सेक्शन में। क्विजेस सेक्शन के अंदर आपको यूजीसी नेट मिलेगा, यहाँ से आपको डेली क्विजेस मिलेंगे आपको हर डेज के। यहाँ पे जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे डे 6 की क्विज पे जा सकते हैं, बिकॉज आज हमारी डे 6 की क्विज चल रही है। सो यहाँ पे आप स्टार्ट क्विज करेंगे। स्टार्ट क्विज करने के बाद आपको यहाँ से बिगिन करना है, सो यहाँ से बिगिन कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, अ वर्टिकल सप्लाई कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस इम्प्लाई दैट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल सप्लाई कर्व है, सो देखिए अगर ये मान लीजिए ये आपका सप्लाई कर्व वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इससे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या इंडिकेट कर रहा है। सो देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस पे जो होता है ये होते हैं प्राइस, वाई एक्सिस पे हम प्राइस को दिखाते हैं और एक्स एक्सिस पे हम दिखाते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। सो अगर अब यहाँ पे ये शो कर रहा है ये कि प्राइस आपकी कितनी भी हो सप्लाई सेम रहेगी। सो यहाँ पे जो आपकी सप्लाई की इलास्टिसिटी है दैट इज़ जीरो, यहाँ पे सप्लाई की बिल्कुल भी इलास्टिसिटी नहीं है, दैट इज सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक। सो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज जीरो, सो आपका ऑप्शन है ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू आपसे कह रहा है द लग्जरी गुड्स लाइक ज्वेलरी एंड फैंसी आर्टिकल्स विल हैव। लग्जरी गुड्स जो होती हैं जैसे कि ज्वेलरी हो गई है, फैंसी आइटम्स हो गए, सो इनकी इलास्टिसिटी कैसी होती है। सो इनकी इनकम इलास्टिसिटी से पूछा गया क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया आपसे लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाई इनकम और जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो देखिए जो लग्जरी गुड्स होती हैं ये प्रेस्टीजियस गुड्स होती हैं, सो इनके जो इनकम इलास्टिसिटी होती है वो हाई होती है। बिकॉज जो लग्जरी गुड्स हैं अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो हम उनको कंज्यूम करेंगे, अगर हमारी इनकम कम होती है तो हम उनकी कंज्यूमशन बिल्कुल जीरो कर देते हैं। सो यहाँ पे जो हमारी इलास्टिसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। सो यहाँ पे जो हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी लग्जूरियस गुड्स के केस में वो होगी हाई इनकम इलास्टिसिटी। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज बी। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, द सप्लाई फंक्शन इज गिवन बाई क्यू इज इक्वल टू -100 + 10p, फाइंड द इलास्टिसिटी यूजिंग पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड व्हेन द प्राइस इज 15। सो यहाँ पे आपसे पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड के थ्रू इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने को बोला गया, तो चलिए इसको हम कैलकुलेट करके सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। सो आपको क्वेश्चन में गिवन है क्यू इज इक्वल टू -100 + 10p और प्राइस आपको गिवन है 15। देखिए अब यहाँ पे हम इनिशियली अज्यूम करेंगे, देखिए अगर हमें इलास्टिसिटी निकालनी है तो सबसे पहले हमें इनिशियल प्राइस पता होना चाहिए, इनिशियल क्वांटिटी पता होनी चाहिए और फिर उसके बाद आपको फ्यूचर प्राइस और फ्यूचर क्वांटिटी पता होनी चाहिए, सो दैट आपको उसके डिफरेंसेस से इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर पाए। तो देखिए हमें इनिशियल का तो कुछ नहीं पता है, तो हम इनिशियली को एज्यूम करेंगे प्राइस इज जीरो। सो अगर मान लीजिए प्राइस आपका जीरो होता है तो क्वांटिटी आपकी डिमांडेड कितनी आएगी, -100 + 10, प्राइस जीरो, सो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड -100 व्हेन प्राइस इज जीरो। अगर मान लीजिए आपका प्राइस 15 हो जाता है सो आपका आंसर क्या आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू -100 + 10 × 15, सो आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड आएगा वो होगा 50। सो ये आपका इनिशियल क्वांटिटी था Q0 बोल देते हैं इसे, और ये आपका हो गया फ्यूचर क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज Q1। अब हम इनिशियल प्राइस आपको गिवन है P0 और फ्यूचर प्राइस आपको गिवन है P15। अब इसके बेसिस पे हम इसमें फॉर्मूले में पुट करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। सो देखिए आपका फॉर्मूला होगा P/Q (Δq/Δp, तो इसमें पुट कर सकते हैं आंसर। सो देखिए आपका प्राइस कितना है 15
क्वांटिटी कितनी है आपकी, 15 पे है आपकी 50, और चेंज इन क्वांटिटी आपका कितना आ रहा है। देखिए चेंज इन क्वांटिटी के लिए Q1 माइनस Q0 करेंगे, सो Q1 माइनस Q0 कितना आएगा, 50 माइनस 100 दैट इज 150। अगर हम चेंज इन प्राइस निकालेंगे तो आपका आएगा P1 माइनस P0 दैट इज 15 माइनस 0 दैट इज 15। सो यहाँ पे आपका जो चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस है आपका 15 है और चेंज इन क्वांटिटी आपका है 150। सो यहाँ पे 150 पुट करेंगे और आपका चेंज इन प्राइस कितना आ रहा है 15। सो ये इसको क्रॉस करेंगे, सो आपका जो करेक्ट आंसर आ रहा है दैट इज 3। सो हमने इसको कम्प्लीटली सॉल्व करके देखा तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3। सो इसका ऑप्शन है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एट हायर प्राइस पीपल डिमांड मोर ऑफ सर्टेन गुड्स नॉट फॉर देयर वर्थ बट फॉर देयर प्रेस्टीज वैल्यू दैट इज कॉल्ड। सो किसी प्रेस्टीज वैल्यू के लिए लोग उसकी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं वेबलन गुड्स और वेबलन इफेक्ट। सो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द सप्लाई कर्व फॉर पेरिशेबल कमोडिटी। देखिए पेरिशेबल कमोडिटी वो होती हैं जो जल्दी खराब हो सकती हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स। सो यहाँ पे जो उसकी सप्लाई कर्व होगी वो परफेक्टली इनइलास्टिक होगी बिकॉज जो सेलर है उसको किसी भी प्राइस पे सेल करना चाहेगा बिकॉज वो जल्दी खराब हो सकती है। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज डी। इसके बाद आप अपने यहाँ पे नेम और ईमेल डाल के आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। सो आज हमने डे 6 के अंदर कुछ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें, इसी तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी। हम टोटल 200 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको कवर करेंगे। सो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर फर्दर वीडियोज। एंड अगर आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का कंप्लीट कोर्स पैक चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप ये क्विजेस को टेलीग्राम पे अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।